हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है विवेक सिंह चौहान जी ने। और विवेक जी लिखते हैं, सर सिंह लगन में नीच गुरु वक्री गुरु का रिजल्ट कैसा होगा? देखिए, अगर आपका सिंह लगन है तो गुरु आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है और आपके लगन का फ्रेंड भी है। लेकिन जैसा आपने बताया है कि गुरु अगर अपने डेबिलिटेशन में है और वक्री भी है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? गुरु अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो गुरु आपके सिक्स्थ हाउस में अपने डेबिलिटेशन में होगा, यानी सिक्स्थ हाउस में मकर राशि में गुरु अपने डेबिलिटेशन में होगा। साथ में गुरु वक्री भी है, तो गुरु अगर अपने डेबिलिटेशन में है, वक्री भी है, तो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस हो सकता है, यानी एजुकेशन का लॉस, चाइल्ड बर्थ का लॉस, लव रोमांस का लॉस और आपके लक का लॉस। लक यानी फिफ्थ हाउस, यानी कुछ आप ऐसा काम करते हैं जहां पर आपका जो लक है वो आपका साथ देता है, तो उसका साथ नहीं मिल पाएगा। और फिफ्थ हाउस कंट्रोल करता है आपके फर्स्ट चाइल्ड को, सिक्स्थ हाउस यानी बीमारी, डिजीज़, परेशानी, तो फर्स्ट चाइल्ड को परेशानी हो सकती है। एट्थ हाउस का लॉर्ड है, एट्थ हाउस यानी आपके इन लॉस, एट्थ हाउस यानी लॉन्जिविटी, एट्थ हाउस यानी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसकी फैमिली वैल्यू, एसेट्स, तो उन सब चीज़ों का भी लॉस हो सकता है। लेकिन गुरु अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है और शनि अगर उसके साथ बैठता है या शनि अगर अपने एग्जिलेशन में है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज हो सकती हैं आगे चल के, बट इनिशियल लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और गुरु के साथ अगर राहु भी बैठ जाता है या केतु बैठ जाता है या गुरु अगर आपका कम्बस्ट हो जाता है, तो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को अचीव करने में काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है। सिक्स्थ हाउस में अगर गुरु है, अपने डेबिलिटेशन में है, तो सिक्स्थ हाउस जो है बीमारी का घर है, कर्जे का घर है, लिटिगेशन का घर है, कोर्ट केसेस का घर है, तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है, बीमारी बढ़ सकती है, एक से ज़्यादा कोर्ट केसेस आपके ऊपर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिगेशन आपके ऊपर लग सकते हैं। और अगर शनि भी अगर अपने डेबिलिटेशन में है, यानी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शनि, तो चीज़ों में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि गुरु अगर सिंह लगन में सिक्स्थ हाउस में प्लेस होता है, यानी अपने डेबिलिटेशन में होता है और वक्री होता है, तो आपको इनिशियल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन बाद में चल के अगर गोचर अगर आपके फेवर में आ रहा है या प्लेंटी गोचर कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, तो कुछ टाइम के लिए आपको बेनिफिट भी हो जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया गुरु अगर अपने डेबिलिटेशन में हो या वक्री हो और आपके सिक्स्थ हाउस में हो या किसी भी हाउस में हो, तो उसका क्या रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने गुरु के बारे में और गुरु के डेबिलिटेशन के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।